जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द यूनिक थॉट। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन, और डिप्रेशन में हम लोग स्पेशली आज फोकस करेंगे बाल डिप्रेशन के ऊपर। तो इसके लिए आज हमने मित्र हमारे दोस्त यूसुफ को आमंत्रित किया हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ कि डिप्रेशन आता कहाँ से। तो हम लोग ने रिसर्च किया, हमारी टीम ने जब रिसर्च किया तो हमारी टीम ने तीन वर्ड निकाली इसमें से। पहला वर्ड था प्रेशर, दूसरा वर्ड था टेंशन, और तीसरा वर्ड था स्ट्रेस। आज हम लोग चलिए तीनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक स्टूडेंट है जिनको एग्जाम देना है और एग्जाम दो दिन बाद है, और उन्होंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, तो उनको पहले क्या होगा, उनको प्रेशर आएगा। अब सपोज कि उन्होंने एग्जाम तो दे दिया तो उनका प्रेशर खत्म हो जाएगा। डेट मीन्स क्या है कि प्रेशर टेम्पररी है। अब सपोज कि वो रिजल्ट का वेट करेगा तो अब क्या होगा, उसको टेंशन बनने लगेगा कि मेरा रिजल्ट में मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। सपोज किसी उसका रिजल्ट आ गया, अब वो रिजल्ट में पास हो गया तो वेल एंड गुड, यदि वो फेल कर गया तो उसका क्या है ना, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर क्या करेगा, टेंशन क्या करेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज वो एक तरह का डिप्रेशन हो जाएगा, और वो क्या आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो आज हम लोग इसी चीज को चर्चा करने के लिए, इस विषय में बात करने के लिए हम यूसुफ को आमंत्रित किया हमारे चैनल पर। यूसुफ, डिप्रेशन क्या होता है और डिप्रेशन कहाँ से आया है, कुछ बताएंगे? तो सर ने जैसे कहा कि डिप्रेशन कहाँ से आता है और कैसे आता है, तो इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जो पांच उंगली होती है वो भी अलग अलग होती है। बेस्ट। उसी तरह क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अपने अलग अलग काबिलियत के साथ वहाँ पर पढ़ते हैं, अपने स्किल्स पोटेंशियल अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो एग्जाम्स देते हैं, और कोई एग्जाम्स में पास कर जाते हैं, कोई फेल कर जाते हैं। तो जो पास करते हैं उसे तो अवार्ड मिला जाता है, उसे तो प्रेज करते हैं टीचर्स, उसे पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, बट जो फेल कर जाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स से कोई बात नहीं करता, उन स्टूडेंट्स को इस तरह से देखा जाता है ये तो फेलियर है, ये क्या करेगा, ये थोड़ी ना अवार्ड ला कर देगा। तो ये टॉपिक और ये फेलियर ये आगे चल के उस बच्चे के लिए डिप्रेशन हो जाता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं तो वो ओवरकम कर जाते हैं उस फेलियर को, बट जो नहीं कर पाते हैं, जो ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिसके पेरेंट्स उससे बच्चों से डिस्कस नहीं करती है फेलियर्स के बारे में, तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यूसुफ, बेसिकली यदि मैं कहूँ तो यहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं आप। सही बात, कि जिसका यदि मेंटली स्ट्रांग है डेट मीन्स क्या करते हैं, वो ओवरकम कर जाते हैं। डेट मीन्स थोड़ा मेंटली थोड़ा वीक है, डेट मीन्स क्या करते हैं वो उसके मतलब शिकार बन जाते हैं। तो यूसुफ जैसा क्या कि आज हम लोग देखते हैं, जब हमारी टीम ने रिसर्च की यूसुफ, तो बहुत से गवर्नमेंट संस्था है या बहुत से प्राइवेट संस्था या एनजीओ है इस पर वर्क कर रही है, और बहुत क्लोजली वर्क कर रही है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि आज के युवा या आज के बच्चे जो है एक फूल की तरह होते हैं, जैसे वो एक भगवान का रूप होते हैं। मतलब बच्चे को आप जिस तरीके से शिक्षा देंगे कल वो अपने देश को उसी ओर में लेकर जाएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? कि जैसे सर ने कहा कि बच्चे एक फूल की तरह होते हैं, बहुत ही मासूम, बहुत ही इनोसेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं कि आगे चल के कैसे अपने लाइफ को टैकल करना, किस तरह से फेलियर आएंगे, सक्सेस आएंगे। तो सक्सेस के बारे में तो सभी कोई पढ़ाते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं, बट फेलियर्स के बारे में कोई बात नहीं करता, और जिसके कारण बच्चों में डिप्रेशन आती है। उस डिप्रेशन से वो आगे आगे अपने आने वाली जिंदगी में खुश नहीं रह पाते हैं, और बहुत सारी बीमारियों का वो कारण भी बन जाता है। तो जैसे कहा कि फेलियर के बारे में कोई बात नहीं करता, तो क्यों नहीं हमारे चैनल के माध्यम से ये बताया जाए कि जो बच्चे फेल करते हैं डैट मीन्स क्या करते हैं, वो अपने फेलियर से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, मतलब वो कभी फेल नहीं करते। डैट मीन्स क्या, फेलियर इज अ जस्ट अ वर्ड, मतलब फेलियर लाइफ में कोई होता ही नहीं है, मतलब कि वहां से कुछ हम लोग सीख सकते हैं। तो बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से ये मोटिवेट करेंगे, और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं कि जो बच्चे कभी अपने डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या कुछ हासिल ना कर पाने की वजह से वो सोचते हैं कि मैं, मेरे लिए चीज बना नहीं है, तो इस बच्चे को ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। तो यूसुफ मेरा सवाल आपसे यह है कि आने वाले वक्त में, जैसे हम लोग ये जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो गई है, खास करके हमारी इंडिया जो है बहुत फास्ट लेवल पर डेवलप कर रही है, यह हमारे लिए एक अचीवमेंट है। तो जैसे कि आपको पता है कि युवा बच्चे या छोटे बच्चे जो कल हमारे देश के प्राइड होंगे, नेशन के प्राइड होंगे, तो आपको क्या कहते हैं कि बच्चे को किस तरीके का एडुकेशन देना चाहिए, और किस तरीके से उनका पेरेंटिंग जो होता है, पेरेंट्स का सबसे मेन रोल होता है और टीचर्स का मेन रोल होता है, तो टीचर्स को किस तरीके से गाइड करना चाहिए? तो जैसे कि जो बच्चे अगर ओवरकम कर जाते हैं तो वो तो काबिलियत वाले हैं, तो उनको उतनी ज़रूरत नहीं है कि उनके बारे में डिस्कस किया जाए, बट जो फेलियर्स है, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और यहाँ पे मैं बस फेलियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डिप्रेशन बहुत कारण से होती है। अगर आप फाइनेंशियली वीक है
कुछ अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से डिप्रेशन में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ अगर अगर बच्चों में जो जिसके माँ बाप थोड़े गरीब होते हैं तो वो अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, अच्छे परवरिश नहीं कर पाते, तो वो बच्चे अगल बगल देखते हैं अपने सोसाइटी में देखते हैं कि और सब तो बहुत खुश से रह पा रहे हैं बट हम लोग क्यों नहीं रह पा रहे, हम लोग को वो क्यों नहीं मिल पा रहा जो और बच्चों को मिल रहा है, तो वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उन्हें फिर आगे चल के वो जो हासिल भी करने वाले हैं वो भी नहीं कर पाते, कुछ मेहनत करने का वो लोग को जज्बा जो होता है उसके अंदर वो खत्म हो जाता है। तो जैसे कि सर ने कहा कि कैसे इस पे हम लोग बच्चों को डिप्रेशन से जाने से रोक सके, तो टीचर्स और पेरेंट्स का मैं दोनों को ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे या आपके स्टूडेंट्स अगर फेल करते हैं तो उन्हें पर्सनली ट्रीट करिए और उन्हें पर्सनली मोटिवेट करिए कि फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, उससे आप बहुत कुछ सीखते हो और बहुत ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी हम लोग अपने देखते हैं हिस्ट्री सराउंडिंग्स में देखते हैं और बहुत सारे जो अभी बहुत अच्छे पद पे पहुंचे हुए हैं वो एक न एक बार फेल किए हैं, एक या बहुत बार ही फेल किए हैं और अब जाके वो सक्सेस पाए हैं। तो जैसे आपने कहा कि जैसे हमारे सराउंडिंग्स में बहुत बड़े ग्रेट पर्सनालिटी है कि जो अपने वो फेल नहीं किए, मतलब कि अपने फेलियर से सीखकर कि जो अपने जो गलती को जो लूपहोल्स था उन पर वो क्लोजली वर्क कर फिर आज लाइफ में बहुत बड़े अचीवमेंट मतलब कि हासिल किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत से ले सकते हैं कि मार्क जुकरबर्ग कह ले, बिल गेट्स कह ले, जी बिजोस कह ले, सर एपीजे अब्दुल कलाम सर कह ले, मतलब क्या ये सब क्या ग्रेट पर्सनालिटी, मतलब क्या ये एक तरह का मतलब कि हम लोग को ये शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं कि लेसन देते हैं कि यदि लाइफ में यदि कुछ आपका गोल्स है, कुछ एम्स है, कोई डिजायर है या कुछ आप चाहते हो तो उसको आप हासिल कर सकते हो, बाकी द कंसिस्टेंट मतलब कि परसिवनेस कहते हैं और मतलब लगन से आपको मेहनत करना होगा। और यूसुफ लास्ट में मेरा सवाल ये है, लास्ट प्रश्न मेरा ये है कि आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में ये जो बच्चे हैं तो बच्चे को किस तरीके से हमारी युवा जनरेशन हो या जो हमारे घर के पेरेंट्स हो या हमारे सीनियर्स हो या हमारे टीचर्स हो किस तरीके का सजेशन दे सके कि इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए, और क्या ये जो बाल डिप्रेशन ये एक बहुत बड़ा कारण है मतलब ये एक ऐसा कारण है कि सपोज कीजिए कि जिस पर आज का बच्चे का फ्यूचर डिपेंड है बच्चे का फ्यूचर डिपेंड है ही, अकल का हमारा नेशन का फ्यूचर डिपेंड है, तो मतलब इसको किस तरीके से क्या 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 प्रोग्राम हम लोग को लाना चाहिए, किस किस प्रोग्राम पर काम करना चाहिए। वेल एंड गुड गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छे काम कर रही है, हमारी देश का इंडिया खुद इस पर अच्छे, भारत हमारी देश जो है इस पर अच्छे काम करे, तो आपको कुछ कहना कि किस किस टॉपिक पर आगे चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे एनजीओ और गवर्नमेंट की संस्था जो इस बाल डिप्रेशन के ऊपर वर्क कर रही है, तो बस ये गवर्नमेंट का भी काम नहीं है, ये हम लोग का और आपका और मेरा काम है, ये हमारा काम है, हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को अपने अगल बगल जो डिप्रेशन का शिकार है, जो फेलियर्स है उसे फेलियर्स की नजर से ना देखें, जो गरीब बच्चे हैं उसको गरीब की तरह ना पेश आए, उनसे ऐसा ट्रीट करें कि जैसे वो भी हमारी तरह है, वो उसे ऐसा अकेलापन महसूस ना होने दे, या जो फेल कर जाते हैं उसे भी अच्छे से ट्रीट करें, मोटिवेट करें कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इससे डिप्रेशन नहीं होने देना है, ये कारण है जो कि आपको सक्सेस तक पहुंचाएगी। तो इस तरीके से अगर हम अवेयरनेस फैलाते हैं अपने सोसाइटी में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने अगल बगल के बच्चों में, तो डिप्रेशन से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि मतलब कि गवर्नमेंट तो साथ दे ही रही है, साथ ही साथ हम लोग युवाओं को भी आके आगे आना है और हेल्पिंग हैंड बनना है, एक दूसरे का मदद करना है, तभी जाकर ये हमारा देश आगे बढ़ेगा और बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत तरक्की करेगी, हमारे देश तो अभी बहुत तरक्की कर रही है। तो लास्ट में एक कवि का एक दोहा है मैं पढ़ना चाहता हूँ, दोहा नहीं मतलब कविता है, बिल्कुल, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नहनी चींटी जब दीवारों पर चढ़ती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, आखिरकार उसकी हिम्मत बेकार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इसका मतलब ये है कि बच्चे हैं वो समझ नहीं पा रहे, यदि बच्चे को समझ में आने देंगे तो क्या उठेंगे गिरेंगे और लास्ट में जो उसका गोल है वो गोल को अचीव कर लेंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले, और मैं यहीं पर ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।